खबर एटा से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि मृतक गोपाल जनपद फर्रुखाबाद का रहने वाला था और यहां वह अपनी बहन के घर मोहम्मद नगर बजे डामे में रह रहा था। बताया जाता है कि प्रधानी की पुरानी रंजिश को लेकर नाम दर्ज आरोपियों ने युवक को गोली मारी है। हॉस्पिटल आते समय युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। एटा कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के गांव मोहम्मद नगर बझेड़ा की घटना बताई जा रही है। सर, इनका 302 का मुकदमा पहले से चल रहा था, तो इनकी एक दो दिन में तारीख और थी। उन लोगों ने प्लांट करके, हम लोग केदारनाथ से वापस आ रहे थे, 3-4 किलोमीटर पीछे थे। 3-4 किलोमीटर पीछे होने के कारण उन लोगों ने, वो हमारा मामा जी हमारे भेंट कर रहे थे, तो भेंट करने के कारण वो 4-5-6 लोग आए, उनने गोली मार दी। इनने हमारे पास फ़ोन किया तो 3-4 किलोमीटर पीछे थे, पर हमने इन्हें तुरंत उठाया, अलीगंज ले गए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ से रेफर किया गया एटा के लिए। एटा जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचने को हुए, 10 मिनट पहले इनकी डेथ हो गई। पुरानी रंजिश जो चल रही थी, वो किस विवाद, क्या विवाद था? गोलीबाजी चली थी 302। किस बात को लेकर? सर, इस बात को लेकर पहले से इलेक्शन के टाइम लड़ाई हुई थी। इलेक्शन के टाइम तो दूसरे लोगों ने इन्हें पैसा दिया था कि इन्हें मार दो, मामा जी को बताया था पहले। अच्छा जी, इन्हें मारने की धमकी दी गई, तो उस साइड से डॉक्टर और थे जानवरों के, जो उस साइड से निकल रहे थे, तो जिसने पैसे लिए थे वो वहाँ खड़ा था राइफल लेके, उसने इनके ऊपर फायरिंग की, तो इनने अपने प्रोटेक्शन के लिए वहाँ से निकल रहे थे, इनने भी फायरिंग की, तो जो जिसने पैसे दिए थे वो भी पास में खड़ा था, उसने साइड से गोली मार दी पूरा। कितने, क्या वही घटना है? ये क्या वही घटना है जी? ये अबाउट 10:30 की तरफ